97 नंबर की गाथा के टीका पर चर्चा चालू की थी और भूल देखी तो एक ही दिखाई दी, कौन सी? अज्ञानता के कारण पर मैं एक पने का आत्मविकल्प करता है, ये भूल। सीमा रेखा नहीं है कुछ भी, अब विचार करके देखो, जगत में जिसे अपनी प्रॉपर्टी पता ना हो और वो पेपर पढ़े न्यूज़पेपर, क्या हालत होगी? यहाँ लुट गया, अरे मेरा तो नहीं गया, किसी के एक्सीडेंट, अरे मेरे पुत्र पुत्रादि का तो नहीं हो गया है, कहीं चोरी हुई, मेरे घर तो चोरी नहीं हुई, कहीं बारिश हुई, मेरे यहाँ तो बारिश नहीं हुई। आज आप न्यूज़पेपर को पढ़ के भी अगर 15 पेज का न्यूज़पेपर है तो उसमें 250 से ज़्यादा तो बुरी खबरें होती है। टेलीकल है ना, इससे ज़्यादा ही निकलेंगे, कम नहीं होंगे, 20-25 तो बैठने के ही होते हैं उसमें। 15 पेज के न्यूज़पेपर में रोज़ 250-300 मरण, हत्या, लूटपाट, आगजनी, बारिश, तूफान, ऐसी सब खबरें पढ़ते हो और शांति से मंदिर आ जाते हो, किसके कारण? आत्मा की अपनी प्रॉपर्टी की खबर है कि हमारे साथ वाले हमारे साथ में हैं, हमारा पैसा हमारे पास में है, हमारा घर बारिश से दूर है, आग नहीं है, लूटपाट नहीं है, चलो समाचार सुनने चलते हैं। इनमें से कोई एक भी घटना जिसे हम अपना मानते हैं उस वर्तुल में हो तो समाचार नहीं सुना जाएगा, तो दूसरे दिन एप्लीकेशन आ जाएगी कि पंडित जी आ थी गयो तो माटे काले आवायो नहीं, અને વધારે થઈ જાય તો તમે આવો હવે ઘરે। સમજમાં આવ્યા? તો એક વાત તય હુઈ કે જબ અપની સંપત્તિ કા હમે જ્ઞાન હોતા હૈ તો બહાર કા ભૂચાલ ભી હમે હિલા નહીં સકતા, યે નિર્ણય હુઆ ના? સમજમાં આયા કે નહીં? ક્યા બોલા? अपनी संपत्ति का ज्ञान हमें जब होता है तो बाहर का कुछ भी हो जाए हम उससे प्रभावित नहीं होते। बस अब समझ में आया कि ज्ञानी क्यों जगत में निशंक रहते हैं? पर में आत्मपने के विकल्प का अभाव, अपने में आत्मपना है और अपना स्वरूप तो कैसा है? लॉस प्रूफ, फायर प्रूफ, डैमेज प्रूफ है, चोरी डकैती से भी प्रूफ, मान अपमान से भी फुल प्रूफ। तो जो अपना स्वरूप है, स्ट्रक्चर है, वो तो फुल प्रूफ है और वही ही मैं हूँ, अन्य में नहीं हूँ। अन्य को अपना मानना वो तो भूल है और अन्य के निमित्त से जो विकल्प अपने कहे जाते हैं वो भी भूल से हुए ये कहे जाते हैं, मेरे हैं ऐसा नहीं कहा जाता। क्या बोला? क्या बोला फिर से? दो के बीच में अंतर समझो। पर को अपना मानना ये क्या है? भूल है, बराबर, वो तो भूल है। और जो विकल्प होते हैं वो विकल्प भी भूल से हुए, जान बूझ कर, यानी ज्ञान में जान बूझ शब्द बड़ा अच्छा है, जान मतलब ज्ञान और बूझ मतलब बोध। तो ज्ञान और बोध में अगर हम रहते तो ये विकल्प नहीं होते, यानी जान बूझ कर ज्ञान और बोध से ये विकल्प नहीं होते, अज्ञानता और अश्रद्धान से विकल्प होते। तो ये विकल्प जो हुए ये अपना वस्तु तो अपनी है ही नहीं, ध्यान से समझना, वस्तु के निमित्त से जो विकल्प हो रहे वो भी भूल से हुए हैं,
जानबूझकर नहीं हुए ये समझना है कि नहीं बात समझ। अज्ञान के विकल्प, अविरति के विकल्प, असंयम के विकल्प, कषाय के विकल्प, मोह के विकल्प, ये जो भी सब बात हैं ये जागते जागते नहीं हुए, ये आत्मस्वरूप में सो गए सो हुए। समझ में आया? वाह, ये यहाँ कह रहे हैं। अब देखो, अब इसको भूल क्या हुई, यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में आई थी बात कि अनादि संसार थी मांडी ने मिलित स्वादनु स्वादन अनुभवन होवा थी। शू थे आँखों वाँची लो चलो, है ना। आ आत्मा अज्ञानी थयो थको, अज्ञान ने लीधे। अब बोलो, अज्ञानी होगा तो उसके पास ज्ञान कहाँ से आएगा? है मतलब वही बात है, दीनहीन भिखारी है वो, खुद दूसरे के पास जाता है और ऐसा कहता है आज तो कुछ नहीं, अगर मेरे पास करोड़ होता तो मैं तुम्हें करोड़ दे देता, तुम 100 रुपये में से 1 रुपये मुझे नहीं दे पा रहे। मेरे पास करोड़ होता तो मैं क्या कर देता, तुम्हें करोड़ दे देता, होता तो देता ना, अभी तो है ही नहीं। तो अज्ञानी क्या करेगा, अज्ञानी कोई ज्ञान की बात तो करेगा नहीं, दीन है तो दीनता की बात करेगा, अज्ञानी है सो अज्ञानता की बात करेगा। सो अज्ञानी अज्ञान ने लीधे, अनादि संसार थी मांडी ने मिलित, ओह ये बहुत सुंदर शब्द है, अनादि काल थी संसार थी मांडी ने मिलित स्वादनु स्वादन अनुभवन होवा थी। काले एना माटे आप्यु तो ने दाखलो पेस्टिसाइड वालों, कि आपने खबर ज नहीं पड़ती कि वस्तुनो नेचुरल स्वाद शू छे। मिक्स ज आवे अपनी पास, बधी वस्तु मिक्स ज आवे, जे शाकभाजी आपने आपने लागतु ज नथी एमां कि केटलू शाक छे ने केटलो पेलो छे। પણ એવા ટેવાઈ ગયા આપણે, એમ જ અનાદિથી અજ્ઞાનતાને લીધે રાગ છે હું, ક્રોધ છે હું, ક્યારે ખરેખર બહુ મોટી સમસ્યા છે। તમે એક ક્ષણ એવો શોધીને બતાવો મને, જે ક્ષણ તમારું જ્ઞાન જુદો પ્રવર્તન કરતો હોય અને એમાં રાગના છાંટ ના લાગેલા હોય, માત્ર જ્ઞાન પ્રવર્તન કરતો હોય, આ સડક ઉપર આટલી રિક્ષાઓ ફરે છે, એ બીજાનો પેસેન્જરને એક બીજી જગ્યાએ લઈને જાય, પણ ક્યારે તો એ પણ રિક્ષા ખાલી મળે, મળે કે નહીં મળે? પણ આ જ્ઞાનની રિક્ષા તો ખાલી મળતી જ નથી, એમાં રાગના દ્વેષના પેસેન્જર સવારી કરતા જ હોય છે। બોલો, ક્યારે તમારી જ્ઞાનની રિક્ષા ખાલી આટા મારીએ છે? માણે છે, અહીંયા અહીંયા લાવીએ છીએ એટલા માટે કે ભાઈ હવે રિક્ષાને ખાલી કરો, બહુ થયો। ક્યારે આખા ગામને ફરવા લઈ જાઓ છો, ક્યારે પોતાના જ્ઞાનાદિ ગુણોને ફરવા લઈ જાઓ? શું પારકાનો જ કરતા રહે છે? હે, હા ફરે છે ક્યારે ખાલી રિક્ષા આપણી? એમાં બે પેસેન્જર લોડેડ જ હોય હંમેશા, રાગ ને દ્વેષ ને મોહ। હે, પછી એક તો એટલો જબરો છે કે મારો બેટા ડ્રાઈવરને કાઢી મૂકું, ચાલ તું હટ હું જ બેસીશ। કયો પેસેન્જર છે? એ મોહ, એ જ્ઞાનને પાછળ કરી દે અને પોતે રિક્ષા ચલાવે, પછી ધારાધોરણ વગરનું ગમે ત્યાં અથડાય અને તૂટે કોણ? કાંઠોય ઘણો છે, પહેલાંનો કંઈ બગડતો નથી, રક્ષા રિક્ષા તમારી બગડે। હે, હા હા, જ્ઞાન કી રિક્ષા કો પેસેન્જર મેં સે એક પેસેન્જર આયા, ઉસને જ્ઞાન કો પીછે ગયા, ખુદ બેઠ ગયા, અપને પીછે અપને દો રિશ્તેદારો કો બિઠાયા, જિસકા નામ રાગ દ્વેષ
और अपने पिताजी का रोड समझ के चला रहा है, बराबर। और तुम भी पीछे बैठे बैठे देख रहे हो, चलाए तो छे ने चलाए तो, अरे चलाए छे पण जो तो खरा रिक्शा नी हालत केवी थई गई। अने पहला नु कई बगड़तु नथी, जेटलू बगड़े तमारो बगड़े। पहला मां तो एवू होय रिक्शा वाळो एम के कि साहेब, जेम के एक बार मैं रिक्शे वाले के पीछे बैठा ना ध्यान से, अरे साहेब तमने पछी वागशे मने पहले वागशे એટલે ચિંતા ના કરો, બરાબર। આવું કે તમે ચિંતા ના કરો, જો તમને કંઈ થશે તો પહેલાં મને થશે ને, પહેલાં મને થશે ને। આ મોય કેવો જબરો કે ગમે ત્યાં અથડાય એ પાકો થાય અને જ્ઞાન કચડી જાય। હવે એને વરદાન છે એવું, શું કરીએ। હરેક એક્સિડેન્ટ મેં બહુ મજબૂત હોતા હૈ ઓર તુમ કમજોર હોતે હો, તો ઇસમે કિસકા ઘાટા ઓર કિસકા કુછ નહીં જાતા। આ ખ્યાલ મેં આયા ભાઈ, યે ચીજ હૈ। કભી કભી તો કૌતૂહલ સે હી સહી, लेकिन ज्ञान की गाड़ी को ज्ञान के लिए घुमाओ ना, फिर घूमने दो उसको। हैं, मैंने बोला ना कितने भी वो रिक्शे वाले हैं कभी तो खाली मिलते हैं, आपकी ज्ञान की गाड़ी भी तो कभी खाली होनी चाहिए। कि जो मात्र ज्ञान ही ज्ञान हो, ना कोई राग हो, ना कोई द्वेष हो, ना कोई मोह हो, और वो ऐसी ज्ञान की गाड़ी आपको कहाँ पहुँचा देगी। बस थोड़ी देर उसको आप रहे तो गायक तक पहुंचा देगी, समय दर्शन करा देगी और अल्पकाल में मोक्ष भी करा देगी। पर ये व्यक्ति क्या करेगा पता है क्या? खाली फिर वो ना पोसा है, खाली फिर वो ना पोसा है। अरे तुझे जो ना पोसा है दिखा रहा है, इसमें तू केटलो सोचाए छे खबर पड़े छे। अपन ऐसा हो गया पता है, मतलब एक बहुत बड़ी कमी हो गई है, ज्ञान को बिल्कुल यूजलेस कर दिया है, गिनते ही नहीं है कुछ भी। हाँ, हर चीज के साथ में सेकंड ऑप्शन लगा देते हैं। खाना भी खाएंगे तो भाई खाने का ज्ञान करो ना, चलो सिंपल। लेकिन तो टीवी पकड़ लेंगे, मोबाइल पकड़ लेंगे, न्यूज़पेपर पकड़ लेंगे, बातें करेंगे। यहाँ पे तो नहीं है लेकिन कई जगह जैसे अपने मित्र पक्ष वाले में जाओ ना तो प्रवचन सुनने बैठते ना तो माला पकड़ लेते हैं। पता नहीं ज्ञान से भला हुआ कि नहीं हुआ, माला से तो भला हो ही रहा है। मैंने देखा सिलवानी में जब कभी प्रवचन करता था ना तो ऐसे 8-10 लोग बैठते थे, उन्हें 5 लोगों के हाथ में माला होती थी। प्रवचन तुम कर रहे हो पता नहीं इससे भला हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन माला फेरने से भला होगा ये तो जिंदगी से सुनते आ रहे हैं। यहाँ पे माला तो नहीं फेरते लेकिन कई लोग पूजन करते करते, दर्शन करते करते प्रवचन सुन लेते। क्यों? अब प्रवचन से भला हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन पूजन से तो भला हो ही रहा है ना, दर्शन तो करे ना, थोड़ा सुन लिया। मुझे आपत्ति सुनने से नहीं है, मुझे आपत्ति ये है कि शुभ में सफलता मान रहे हो, मतलब दोष को स्वभाव मान रहे हो, और ज्ञान निर्दोष है उसे नकामा मान रहे हो, ये ज्ञान का अपमान है। मुझे प्रॉब्लम, और मेरी प्रॉब्लम से भी होता क्या है, जिसका जो होना होगा उसके परिणाम से होगा। लेकिन मैं तो कभी करुणा आती है तो ये विचार करता हूँ कि शुभाशुभ भाव जो जीव का बंटा ढार करने वाले हैं अभी तक उनमें ही पड़ा हुआ है, और ये जो ज्ञान है जो वास्तव में जीव का स्वभाव है, जीव को मुक्ति सम्यक दर्शन आदि दिलाने में सक्षम है, उसके प्रति अवभाव नहीं आता। ये जो प्रायोरिटी क्राइसिस है ना, ये इस जीव के दुख का कारण है। तो भी वही बात पता है ना कि ज्ञान की बात मोह की मंदता के बिना सुहाती ही नहीं है। जब तक मोह मंद नहीं होगा तब तक इसकी महिमा आएगी भी नहीं। इसमें कोई किसी का कोई दोष नहीं है, दोस्त तो उनके अंदर के मोह परिणाम का है और कुछ नहीं। समझ में आया?
तो अगर आप समझ लो, कम से कम आप लोग तो अच्छे से समझ लो, बड़ी गहराई से निर्णय कर लो, जिंदगी में आप कितने भी अच्छे काम करोगे, लेकिन उनमें से जो जो किए जाने वाले सबसे अच्छा काम है ना, वो ये है। क्या बोला? भरत क्षेत्र में स्वस्थ मन से समयसार आदि ग्रंथों के माध्यम से शुद्ध आत्मा की बात सुनना, इससे बेहतर साधना का कोई दूसरा मार्ग नहीं। ये मैं 1000% कॉन्फिडेंट होकर कह रहा हूं, मतलब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। आपको हो नहीं हो अलग अलग, मतलब आप किसी आयोजन में 10 करोड़ की बोली लेकर घूमोगे, सारा जगत कहेगा बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भगवान कह रहे तुमने कभी शांति से समय सार को सुना? वो नहीं, वो तो टाइम ही नहीं मिला 10 करोड़ इकट्ठा करने में समय। अब 10 करोड़ इकट्ठा करें कि समय सार सुने? तो आज भगवान कहेंगे 10 करोड़ को आग लगा दे और समय सार सुन दे। क्या बोला? मतलब मैं एक भी बात आपको लगभग पता होगा, भावुक होकर कोई बात कहते ही नहीं। मैं जो भी बात कह रहा हूँ कोई ऐसा नहीं कहने के लिए कह रहा हूँ, कहने के लिए लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं। कल ही मैंने एक संत का प्रवचन सुना, 15 अगस्त के दिन था ना, तो बोले ऋषियों ने कहा है कि जो जो भी साधु तपस्या करते हैं उनका छठवां भाग देश के सेना सिपाहियों के लिए चला जाता है, है? बड़ी विनम्रता के साथ ये कहा। अरे क्योंकि जैन धर्म है, ये छठवां भाग वहाँ चला जाएगा, छठवां भाग यहाँ आ जाएगा, ये लेन देन होता है क्या? कर्मों में अरस परस होता है क्या? पूरा सिद्धांत उलट के बोल रहे हैं और लोग उतने उतने भाग की क्लिप बना बना के जगत में पहुँचा रहे हैं। मुझे ये आपत्ति नहीं तुम समय सार बोलो या ना बोलो, जैन धर्म तो बोलो। अगेन मेरी आपत्ति से क्या होता है? समझ आया? मैं तो ये कह रहा कि लेकिन मेरा मेरे प्रति उत्तरदायित्व है, मेरा मेरे प्रति उत्तरदायित्व है, और इस उत्तरदायित्व को मैं पूरी गंभीरता से समझता हूँ। और जो लाइन लास्ट लाइन मैंने बोली है वो इसके लिए बोली कि पूरे उत्तरदायित्व के साथ में बात बोल रहा हूँ कि भरत क्षेत्र में स्वस्थ मन से समय सार आदि ग्रंथों के माध्यम से जो आप शुद्ध आत्मा की बात सुन रहे हो, ये साधना का सर्वश्रेष्ठ रूप है। शुद्ध मन साथ में जोड़ा मतलब इसमें इसमें तन्मयता, इसमें अपनापन, इसको सुनने का अनुशासन, इसकी सुनने की गंभीरता, ये शुद्ध मन में सब आ जाता है। वर्ण शुद्ध मन इसीलिए बोला, कौन कौन सी चीजें जाएंगी इसमें? सुनने की तन्मयता, सुनने का अनुशासन, सुनने की गंभीरता, सुनने का औचित्य, ये सब चीजें शुद्धता में आ जाएंगी। अब मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा, देखिए वो आप समझ लेना। जगत की दृष्टि से नहीं, मैंने बोला ना एक दृष्टांत भी आपको दिया अभी कि आप 10 करोड़ इकट्ठा करने करके किसी आयोजन में ये बने वो बने, सारा जगत बोला बहुत बढ़िया लाभ लिया, बहुत बढ़िया लाभ लिया, बराबर। अब सारा जगत तो ये बोले, अब भगवान गुरुदेव ही चलो, भगवान तो कौन आएगा, गुरुदेव से पूछो चलो, तो गुरुदेव क्या कहेंगे? हाँ बबूतमल जी, बबूतमल जी ना नाम घनी वक्त ले छे, आ बबू बबूतमल जी 5 लाख रुपया खर्चा छे, सरस देरासर बनाव्यो छे, आम छे बधा जोवा आवे छे, पण धूले धरम नथी। हा जो आम माने कि एनाथी धर्म थयो तो मूर्ख छे, अज्ञानी छे। गुरुदेव का साहस और शौर्य भी अद्भुत था। आज भी आप देख लो उस समय के 5 लाख आज के करोड़ में होते हैं, बराबर। और ऐसे एक नहीं हजारों जगह। ज्ञानी तो सीधी बात कहता है, भैया हमें तुम्हारे से क्या लाभ और तुमको इनसे क्या लाभ,
हमें तो तुम्हारा जिससे लाभ हो वो बताने में हमारा लाभ है, बाकी अज्ञानी गुरु क्या कहते हैं, तुम्हारा लाभ हो या ना हो, हमारा लाभ हो जाए हमें वो बताने में लाभ है। आई कि नहीं बात समझ में, ये अंतर को समझो। क्या बोला, अज्ञानी गुरु और ज्ञानी गुरु में क्या अंतर होता है? पहले तो अज्ञानी गुरु नहीं होता, अज्ञानी गुरु नाम को पाता है। अब वो नाम तो कोई भी आ जाता है, भारत में गुरुओं की कमी थोड़ी, एक से एक गुरु बैठे तो अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर होता है, इतना सी बात। अज्ञानी ज्ञानी गुरु को अपने लाभ की चिंता नहीं, और जिसमें तुम्हारा लाभ ना हो उस बात को कहने की इच्छा नहीं। क्या बोला, अपने लाभ की चिंता नहीं, क्योंकि उनको क्या लाभ, सु प्रभु चरण कणे धरूं आत्मा थी। जगत में श्रेष्ठ संजीवनी जिसके पास हो उसे और क्या दिया जा सकता। तो ज्ञानी गुरु को अपने लाभ की तो चिंता नहीं, क्योंकि हमारे पास जो वस्तुएं हैं उससे ज्ञानी गुरु लाभान्वित नहीं होगा, और उनको आपके लाभ की चिंता है, इसलिए आपका लाभ जिससे हो वो बात कह दो। और अज्ञानी गुरुओं को अपने लाभ की ही चिंता है, और उनका लाभ हो फिर आपका लाभ हो या ना हो इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं। और अपने लाभ के लिए तो क्या होता है, फिर ये जो जो काम कर रहा है जगत उसका बखान करो, अनुमोदना करो, तो अनादि के मूल के कारण व्यक्ति और करने लग जाएगा। प्रतिष्ठा के लिए जो दान देते हैं ना, उनका कोई प्रायोरिटी धारा थोड़ा निश्चित नहीं होता। आज तुमने 500 लोगों की भीड़ के बीच में बुला लिया तो तुम्हारे यहाँ लाख दो लाख दे जाएंगे, जैन धर्म हो अजैन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कल दूसरे अजैन आए, उनके बोले हमारे यहाँ 5,000 लोग हैं, बोले कोई बात नहीं वहाँ चलो, हमें तो माला पहनाओ और पैसे ले जाओ। ऐसा देखा है मैंने, मतलब जैनों में भी ऐसा होता है, धारा धोरण नहीं होता उनका कि दान देना है तो किसके लिए देना है। उन्हें तो मान के लिए, 500 लोगों के बीच में कम मान मिलता है इसलिए वहाँ कम देंगे, 5,000 लोगों के बीच में ज़्यादा मान मिलता है इसलिए ज़्यादा देंगे। कल के दिन 50,00,000 के बीच में उन्हें कोई मस्जिद वगैरह का भी, तो वहां पे भी चले जाएंगे। और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए फिर तर्क तो सबके पास है ही ना, सर्वधर्म संभाव सद्भाव, हम तो सब अच्छा ही करते हैं ना, फलाना ही होता ना, ये सब चालू हो जाता है। इसलिए अज्ञानी का दान जो होता है ना वो धारा धोरण वगैरह का होता है, और अज्ञानी का दान मान के ही विस्तार है। दान पे तो आ गया बीच में, दान पे अकेला दान नहीं है, बाकी सब चीजें, सब चीजें दान आदि, व्रत आदि, दान आदि, ज्ञान आदि, ज्ञान आदि। पंडित के पास किसकी कमाई है? आज पंडितों में भी छल हो गया, 500 लोगों के बीच में अलग बोल देंगे, 5,000 के बीच में अलग बोल देंगे, हैं? उन्हें पता है कि ये समयसार बोलने से ज्यादा लोग नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे लोग विषय बोलेंगे जो ज्यादा लोग सुने। अब उसमें फिर ऐसा सब हो जाता है, तत्व का उलट पुलट हो जाता है, शीर्षासन हो जाए तत्व का, उन्हें उसकी चिंता नहीं। भक्ति की बात बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, एक एक क्या कहते हैं कि वो भगवान की भक्ति का बखान करना, और ऐसी ऐसी बातें जाहिर में बोलते। मैं एक जगह सुन रहा था प्रवचन टीवी में, वो श्वेतांबर के कोई साधु थे, अरे मैं तो भले ही पंचेंद्री हूं लेकिन ये पुष्प एक इंद्री मेरे से ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों? नमन क्या कहें इन जीवों को, तुम्हें तो पंचेंद्री पद की गरिमा, अरे कोई भजन भी बोला था, ऐसा नहीं हूं पंचेंद्रीय चाहूं एक इंद्री पद धरना, ऐसा कोई भजन की पंक्ति बोली थी? ये पानी की बूंदें ज्यादा भाग्यशाली हैं, भगवान का अभिषेक कर रही हैं।
अरे प्रभु तू भाग्यशाली है, तेरे अंदर भगवत्ता है, तेरे गर्भ में भगवत्ता है। ज्ञायक प्रभु के गर्भ में भगवत्ता है। अरे भगवत्ता क्या, भगवान ही है। लेकिन ये बात कहने का, क्योंकि लोगों की सुनने की समझने की ताकत नहीं है, इसलिए कुछ लोगों ने कहना छोड़ दिया। क्योंकि वो क्या क्या कर रहे हैं, वो यही बात है, मतलब जैन धर्म नहीं बोल रहे, जन के कैसे जने वैसा बोल रहे, मतलब समझे ना। इसलिए अज्ञानी का ये दो तीन हो गए ना दाखले, अब तो पता चल गया ना कि मतलब अकेले दान में ये छल नहीं होता, व्रत में भी छल होता है, ज्ञान में भी छल होता है, सब जगह छल होता है। इसलिए अज्ञानी जो कुछ भी करता है वो अज्ञान से ही करता है, और ज्ञानी जो कुछ भी करता है वो ज्ञान से ही करता है। समझ में आया, गहरी बात है भाई, क्या करें, स्वरूप तो ऐसा ही है। इसलिए अज्ञानी यहाँ से ले ना, अज्ञान ने लीधे एक में का अनुभव करे, राग छे ये हूँ छू, राग छे ये हूँ छू, राग छे ये हूँ छू, एने मड़ी जाए छे, राग एटले हूँ, राग एटले हूँ, बस मड़ी गयो, एनो ज अनुभव करे। अने एनाथी शू थई गयो छे, बहु सुंदर लाइन आवे, जेनी जेनी कई कई आवी बात, भेद संवेदन नी शक्ति विड़ाई गले। क्या क्या छिप गया है बोलो, भेद संवेदन। अरे भेदभाव की बातें क्यों करते हो, अरे भेद ज्ञान है, भेद भाव नहीं। भेद भाव राग देश का चिन्ह है, और भेद ज्ञान वितरागता का चिन्ह है, बराबर। भेद ज्ञान, अरे तुम्हें ऐसा पता होना चाहिए कि कितना अंश ज्ञायक का और कितना अंश, और ये सब जगह, सब जगह है जगत में, आपको सब जगह पता होता है ना कि क्या खाने लायक क्या छोड़ने लायक। बोलो कौन खाते हो मकई, बराबर दाने खा लेते हो, डंठल छोड़ देते हो, है बोलो कितना पक्का है। किसी में ऊपर का भाग खाते हो, नीचे का भाग छोड़ते हो, केला खाओगे तो ऊपर का भाग छोड़ देते हो, नीचे का खा लेते हो, बोलो विचार करके देखो। यानी ये आपको पता है भेद ज्ञान। पशु है पशु, उसे मकई खिलाओगे तो क्या करेगा, पूरा मकई खा ले, है? केला खिलाओगे तो क्या करेगा, पूरा केला खा लेगा। हाथी आते ना, अभी बहुत हाथी घूम रहे हैं यहाँ पर, उनको एक खूबी तो है, बेचारे क्या करें। उनको अगर पैसा दोते ना, पैसा मतलब गजब ट्रेनिंग दी रहती है, कभी मैंने तो देख के खुश होता हूँ उनको, है कि पैसा दो तो तुरंत ऊपर पहुँचा देता है, और फल दो तो खा लेता है, है? अच्छा अच्छा ऐसा, ये दो का एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया पर करवा जी हुआ ख्याल में आ गया, हाँ कितना पाको कहवा है, एक साथ ज्ञान धारा कर्म धारा है तो ज्यां पहुंचवी जो ये त्याज पहुंचे। चार करो, आए ज्ञान धारा अने आ कर्म धारा, आग धारा आमा ज्ञान छे ज्ञायक सुधी पहुंचे, कर्म डस्टबिन में जाए। बोला विचार करो, भेद ज्ञान का तो सर्वत्र जोर है, और जिसे भेद करने लायक वस्तु में भेद करना नहीं आता, आचार्य उसे पशु कहते हैं। क्या बोला फिर से, देहादि रागादि संयोगादि ये सब भेद करने लायक वस्तु हैं, और इसमें अगर भेद नहीं करते, एक में करके सेवन करते हो, तो जैसे गाय को कौन दिया तो उसने दाने और उसके डंठल के बीच में भेद नहीं किया, एक साथ खा लिया। बंद क्या कहते हैं, हाथी को केला दिया
तो उसने छिलके और दल में अंतर नहीं किया, एक साथ खा लिया। क्यों? क्योंकि उनकी भेद ज्ञान की शक्ति मिलित यानी ढकाई ली है। ऐसे हे प्रभु, अगर तुमने ज्ञान और राग में भेद नहीं किया तो तुम्हारी ज्ञान शक्ति ढकाई है, यानी तुम पशु हो। ऐसा समझे कि नहीं समझे? भेद ज्ञान की शक्ति विडाई गयेली छे, एवो अबे प्रॉब्लम शू छे, एवो क्या अर्थी छे? अनादि नी छे। एवो क्या अर्थी छे? अनादि। अनादि छे तो एवी रीते आपने टेवाई गया छे। आपको एक बात बताऊं, अच्छी भी लग सकती है, खराब भी लग सकती है, कि मानव का जो विज्ञान थ्योरी क्या देता है, मानव का निरंतर विकास हो रहा है और जो जो चीज़ें गैर जरूरी हैं वो गायब होती जा रही है ना। पहले पूछ थी, वो पूछ गायब हो गई, अब नेक्स्ट टारगेट बाल का है, है? पता है ना। तो वो भविष्य जो कुछ लोग कहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, सब बाला होंगे, बराबर, यानी बाल रहित होंगे। अब ये अपन विचारते हैं क्यों लाख से, पर खरेखर देखा जाए तो नकामा अंग और अपने टाइम वेस्ट बहुत करता है। कहीं पे भी जाना, 2-5 मिनट तो इसमें ही लेट होते हैं, समझे कि नहीं समझे? तो भविष्य ऐसा कह रहा है कि जो जो नकामी चीज़ें हैं ये आपके सिस्टम के अनुरूप है ही नहीं, जबरदस्ती हो रही है, जबरदस्ती आपका टाइम खा रही है। तो जो डेवलपमेंट की थ्योरी है वो क्या कह रही है कि धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये गायब हो जाएंगे और उसका असर दिख रहा है। कंपैरेटिवली ये समस्या प्रकट होने लगी, यानी अगर विज्ञान सही निकला तो 2-500 साल बाद कोई समस्या ही नहीं रहेगी, ना रहेगा बांस, समझ आया कि नहीं आया? अब मुझे जो बात बतानी अब है कि बचपन से ही बाल वाले देखे हैं, इसलिए बालहीन होना बुरा लगता है। क्या बोला? बोलो जरा इस बात को। बचपन से क्या देखे? बाल वाले देखे, इसलिए बालहीन होना क्या लगता है? बुरा लगता। अगर ऐसी समाज हो जो विज्ञान कह रहा है 500 साल बाद होगी, सब बाल बिना वाले होंगे, तो बाल का नहीं होना कोई समस्या होगी क्या? फिर होना समस्या होगी, लोग यहाँ की वैक्स कराएंगे, है? ख्याल में आया कि नहीं आया? ये अज्ञानी की हालत है। एक्चुअल में ये पर जो लिखा है ना कि ये जो भेद संवेदन की कला है वो काम की है, और भेद के संवेदन का अभाव वो नकामा है। लेकिन सब नकामे लोग इकट्ठे हो गए हैं, इसीलिए भेद संवेदन का अभाव हमें होता है तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता, कोई भूले ही नहीं लगते। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया? फिर से भेद संवेदन, यानी इसकी भेद संवेदन शब्द अपना भेद ज्ञान, सिंपल भाषा में अपन शब्द कहें भेद ज्ञान, बराबर। तो भेद ज्ञान की कला है और वो बड़ी जरूरी है, और भेद अज्ञान जो विकार है जो गैर जरूरी है। लेकिन सब गैर जरूरी चीजों में, जैसे अपन बालों में उलझ जाते हैं, दिन के जेब में ही होता है, 10-5 मिनट दिन के हर घंटे बाद लगाते रहना, बराबर। मैं तो ये सोचता हूँ बाल निकल जाएंगे तो कवियों की कविताओं का क्या होगा, आधी कविता तो बाल में उलझी रहती है, हमारा संस्कृत साहित्य खाली हो जाएगा। क्या में आया कि नहीं आया? तो नकामी चीज में सब उलझे हैं, इसके लिए हमें नकामा लगता है, ये अज्ञानी की हालत। सोनगढ़ में ऐसी क्रांति हुई थी, सब लोग वेद ज्ञान की ऐसी चर्चा करते थे कि कोई नया नया आवे ना तो उसे ऐसा लगता है कि हंसों के बीच में कागड़ा जैसा आ गए, सब कितने उत्कृष्ट हैं, कितने पल पल पर वेद ज्ञान की बात करते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं, तो उन हंसों को देखकर कागड़ा भी हंस होने की कोशिश करता था। ऐसा मतलब एक कागड़ा के हंस आ गई, ये नवनीत भाई का कथन है एकदम, उन्हें एक मैं तो ऐसा ही लगा मुझे
सोनगढ़ आ गए कि मैं हंसों के बीच में कागड़ा आ गया। नवनीत भाई बोल गए थे मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा। और आज का समाज ये है कि हंस को कागड़ा होना पड़ता है, ख्याल में आया कि नहीं आया? हंस को क्या होना पड़ता है का? तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको कागड़ा होने की जरूरत नहीं। हंस गौरवान्वित था, गौरवान्वित है और गौरवान्वित रहे। अगर आपके अंदर ये हंस वृत्ति आ गई, हंस वृत्ति मतलब वाइट वाइट नहीं, हंस वृत्ति मतलब दूध पानी को भिन्न करने की कला। आप कलर पे मत जाना, मैं कला की बात कर रहा हूँ। काला कौआ काला होने के कारण बुरा है, तो हंस सफ़ेद होने के कारण भला नहीं है। हंस तो सफ़ेद तो बगला भी होता है। मैं यहाँ पे रंग भेद नहीं पैदा करना चाहता। नीर क्षीर विवेक, क्या बोला? जिनवाणी में वेद ज्ञान में कभी हंस को याद किया जाता है और प्रतिपक्ष के रूप में कौए को रखा जाता है तो रंग के कारण नहीं रखा जाता, नीर क्षीर विवेक के कारण रखा जाता है। समझ में आया? हाँ हाँ। और उसी को यहाँ कह रहे हैं कि भाई देखो, तुम भी अगर वेद ज्ञान की कला में माहिर हो तो वैसे बनो, वैसी समाज बना सकते हो तो बनाओ, और नहीं बना सकते हो तो अपनी हंस वृत्ति को छोड़ो मत। समझ में आया? क्योंकि हंस को कागड़ा बनने की जरूरत नहीं है, कागड़ा हंस बने तो बन। और ये कोई बहुमत का निर्णय नहीं है, मोक्ष मार्ग का निर्णय बहुमत से नहीं होता, ये तो सी वृत्ति है भाई। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए ये जो वेद ज्ञान का अभाव हमारे अंदर में है, ये सब जगह है, नकामा है, लेकिन तो भी हमने उसको शोभा की वस्तु बना लिया। क्या बोला? वेद ज्ञान का अभाव हम में है, नकामा है, बराबर, लेकिन सब लोग उसमें उलझे हैं तो हमने भी उसको क्या बना लिया? शोभा की वस्तु, जुदी जुदी जाति की हेयर स्टाइल बना रहे, शोभा का कारण है, शोभा का कारण, शोभा का कारण, गलत वस्तु, ये शोभा का कारण नहीं है। हाँ देखो यहाँ कहते हैं, वेद ज्ञानी शक्ति एवं अनादि थी छे अने तेथी ते परने पोताने एक पणे जाने छे। उसे काम के अंग क्या है और नकामे क्या है पता ही नहीं चलता, सब एक से ही लगता है, सब एक सा लगता है, जो जो है सब एक सा है, सबको एक समान लेता है। तेथी हूँ क्रोध छू इत्यादि आत्म विकल्प हवे जो जेने क्रोध छू आवो विकल्प आयो, मान छू मानी छू, राग छू रागी छू, द्वेष छू द्वेषी छू, आवा एवा भाव वाड़ो हूँ छू अने एवो भाव हूँ छू। बराबर ख्याल में आवे के नहीं? एने आत्मविकल्प करे, एवो विकल्प करे, अने जे एवो विकल्प करे ये क्यांथी भ्रष्ट थाय जो, अने तेथी तेथी शब्द बोलो, एटले क्रोध छू क्रोधी छू, राग छू रागी छू, मोह छू मोही छू, आवा विकल्प थी हूँ निर्विकल्प एक अकृत्रिम विज्ञान घन स्वभाव थी भ्रष्ट थी जाए। क्या थी पढ़ो सेने लीधे? काल में आवे छे कि नहीं? आवू एक कथा आवे, काल्पनिक कथा, कि एक एक गांडो हतो ने एक राजा हतो, बराबर ना? राजा का जन्मदिन था और गांडा तो गांडा ही था, उसका तो हर दिन जन्मदिन होता है। उसे किसी ने भेंट में एक 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 रुपया दिया, या अपन कहें तांबे का सिक्का दिया, पुराने साहब तांबे का सिक्का दिया। राजा ने ये बोला था कि जो व्यक्ति मुझे पहला मिलेगा, जो व्यक्ति मुझे पहला मिलेगा उसको मैं संतुष्ट कर दूंगा,
बराबर, उसको मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा, बराबर कहना। तो वहीं जा रहा था, बीच में समुद्र का किनारा था, और एकदम राजा का लाओ लश्कर देखा और डर के मारे उसका सिक्का पानी में गिरा और लहरें उसे समुद्र में ले गई। अब वो रोए, क्या रोए, मेरा सिक्का चला गया। अब राजा के कि नहीं, मैंने तो आज प्रण लिया क्या कि मैं संतुष्ट करूंगा। अरे तू तो चिंता मत कर, किसका था, तेरे सामने का सिक्का ले, 100 रुपया ले, 100 रुपये ले लिए, लेकिन मेरा सिक्का, अरे यह संतुष्ट है, ले 1000 रुपये ले, 1000 ले लिए, लेकिन मेरा सिक्का, अरे अग्रे अग्री नोट से 10000 रुपये दिए, 1,00,000 रुपये दिए, सब में सब ले ले, लेकिन सोने की मोहरे दे दी। अरे तू तांबे के लिए रो रहा है, देख सोना है, हाँ सोना अच्छा है, चमक रहा है, सब है, लेकिन मेरा सिक्का, बराबर। अब राजा भी अपने प्राण में बंधा था और उसके पाप की वजह से आज यही नमूना मिला था, उसे क्या करे, रघुकुल का राजा था, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब मैंने मन में सोचा है कि मैं संतुष्ट करूंगा, अभी संतुष्ट नहीं हो रहा, चल तुझे एक एक राज्यसभा में पद दे देता हूं, हाँ पद बढ़िया है, लेकिन मेरा सिक्का, चल तुझे मंत्री बना देता हूं, मंत्री पद बढ़िया है, लेकिन मेरा सिक्का। अब तो हद हो गई, बोले चल मैं तुझे अपना आधा राज दे देता हूं, इतिहास में पहली बार हुआ था, गांडपन के कारण आधा राज मिल रहा, राज अच्छा है लेकिन। तो फिर राजा ने बोला तू खरे कर किसी लायक, फिर छोड़ दिया, बोले प्रतिज्ञा जाए थे लेने है, अब पूरा राज दे देंगे तो एक के चक्कर में ऐसा गांडा राजा बन जाएगा तो पूरे राज का सत्यानाश हो जाएगा। आप ख्याल में ये सब मिलता है लेकिन ऐसे अपने साथ होता है, है? एक एक राग के कारण, जैसे वो एक तांबे के सिक्के के कारण वो पागल किससे चूक गया, आधे राज से चूक गया। क्या बोला, एक किसके कारण, तांबे के सिक्के के कारण वो किससे चूका, भ्रष्ट हो गया, आधे राज से भ्रष्ट हो गया। एक क्षणवर्ती पर्याय के कारण तुम चैतन्य के पूरे साम्राज्य से वंचित हो। इतना हम बताते हैं कि भाई तू विज्ञान घन छे, तू पूरो छे, तू निर्मल छे, तू पवित्र छे, आवतू बधु छे, पण क्रोध तो थाय ने, बस चूकी गयो, गांडा करता वधारे गांडो छे, मोह थयो, आ बधु सारू छे, पण जो कोई मने कहे तो मने गमतू नथी, क्रोध ने लीधे पदम। अरे तू समझ, तेरे ज्ञान में लोका लोक जानने की क्षमता है, तू ज्ञान से क्रोध को देखना, अपने आप को क्रोध रूप मानता क्यों है, समझ कुंद कुंद आचार्य देव की करुणा, समझो अमृत चंद्र आचार्य देव का अमृत। सारे जगत के मान अपमान को जान ले और गंभीर समुद्र की भांति अचल रहे, ऐसा आत्मा का बल है। सारे जगत की लाभ हानि को जान ले और स्वभाव के बल से निर्मल दृढ़ रहे, ऐसे आत्मा का स्वभाव है। क्योंकि ज्ञान में तो कभी लिमिट है ही नहीं ना, ज्ञान में कोई लिमिट है ही नहीं ना, कभी ज्ञान नहीं कहता कि मैं इससे ज्यादा नहीं जान सकता, ज्ञान की कभी लिमिट नहीं आती, कषायों की लिमिट आ जाती है, बस अब बहुत हो गया, अब नहीं सुन सकता, ये ज्ञान की लिमिट नहीं है। किसकी लिमिट है, ज्ञान तो कहता कोई बात नहीं, जो भी कहना है सो कह दे, जो भी करना है सो कर ले, असीमित ज्ञान है, असीमित क्रोध नहीं। लेकिन ये कि ना बस वो एक सिक्के के कारण चुका ना, ऐसे अपन है, एक विज्ञान घन स्वभाव थी भ्रष्ट थयो, सेने लीधे अब क्रोध, अब मान,
आओ मोह, आओ विकल्प करे, मेरा सिक्का, मेरी पर्याय। अरे पर्याय गई, लहर आई सिक्के को ले गई, ऐसे ही पर्याय हुई, दूसरी लहर आई, वो पर्याय चली गई, अब वो गया सिक्का, कहां से आया कहां गया, तेरा था नहीं, तेरे पास है नहीं, ये समझ ले। कोई सिक्का पेट में से तो किसी ने निकाला नहीं होगा, किसी ने दिया ही होगा, तो किसी ने दिया था तो कोई ले गया, एक कर्म के उदय ने दिया, दूसरे कर्म का उदय ले गया। लेकिन मेरा सिक्का, समझ में आया, विचार कर, राज पाठ चूक रहा है, कौन सा भ्रष्ट थे हो, क्या थी भ्रष्ट थे हो, जो तेती निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव थी, भ्रष्ट थयो थको, भ्रष्ट थई जाए, आने पछी अनेक विकल्प रूपो परिणम तो थको, एक थी चूके, जो भाई स्वभाव से जो चूक गया वो तो कहीं पे भी जाए। अब विचार करो, ये पत्ता है ना, पत्ता पेड़ में लगा रहे तो अपनी जगह रहेगा, अब पेड़ से चूका तो फिर कहीं पे भी जाएगा। पतंग है डोर से बंधी रही तो अपनी जगह रहेगी, डोर से कटी तो फिर, ऐसे ही तू अगर स्वभाव से चूका तो कहीं पर भी जाके गिरेगा, गिरने का नक्की नहीं है। ज्ञान से चूका तो क्रोध में भी गिरेगा, काम में भी गिरेगा, मोह में भी गिरेगा, माया में भी, कहीं पर भी गिर सकता है। ध्यान से समझना, कटी हुई पतंग की कोई जगह निश्चित नहीं होती कि यहीं ही गिरेगी। बड़े से बड़ा खिलाड़ी पतंगबाज नक्की नहीं कर सकता यहां गिरेगी, कर सकता है क्या कोई? वो तो वो सब लेके जो उत्तरायण के दिन खड़े होते ना, वहीं खड़े हो, यहीं पर आएगी सब, सारी रेड लाइट यहीं पर है, तो यहां से आ रही, वहां से आ रही, सब जगह से आ रही, कोई नक्की होता है क्या? ऐसे जो स्वभाव से चूकता है वो कहीं का नहीं रहता, कहीं का नहीं रहता मतलब कहीं पर भी जा सकता। कोई गारंटी नहीं है कि आज का जो पंडित है, आज का जो श्रेष्ठ है, स्वभाव से चूक जाए तो कहाँ जाके पड़े, विष्ठा में पड़े, भोगों में पड़े, विकारों में पड़े। जो जो स्वभाव से चूका है उसकी कोई गति निश्चित नहीं होती, इसलिए हे जीवों सब जगह से हटकर एक स्वभाव को पकड़ लो, और स्वभाव को पकड़कर फिर जो होना है सो होने दो, तुम बचे रहोगे। स्वभाव को छोड़ दिया तो फिर कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा।